आज मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ टॉप 5 एनिमे वेयर टफ गाइज फॉल्स इन लव विद अ गर्ल। शुरू करने से पहले एक आखिरी बार और बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में वोटिंग लिंक है, अगर अभी तक वोट नहीं किया है तो कर दो प्लीज, क्योंकि अगले वीडियो में मैं विनर्स अनाउंस करूंगा। नंबर 5 इनुवोकु सीक्रेट सर्विस। सही सुने हो तुम, यही नाम है इस एनिमे का, लेकिन अपने घोड़ों पर जरा लगाम लगाओ, शुद्ध शाकाहारी एनिमे है ये। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सिराकिन एक अमीर फैमिली से बिलोंग करती है, उसे जो भी कुछ चाहिए रहता है, उसे वो सब मिलता है उसके मांगने से पहले, लेकिन उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। वो अपने दम पर अपनी लाइफ जीना चाहती है, उसे लाइफ में कुछ बड़ा करके दिखाना है, लेकिन अब तुम ये भी मत समझ लेना उसके पास कोई अनोखा टैलेंट या एबिलिटी है जिससे वो बड़े आराम से सक्सेस अचीव कर लेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा सिर्फ वो सोचती है, क्योंकि जिस फैमिली से वो बिलोंग करती है उसमें रहकर ख्वाब तो उसे बड़े ही देखने पड़ेंगे ना, बाकी आता उसे कुछ नहीं है, बस मुंह चलवा लो जितना चलवाना है। लेकिन हाल फिलहाल में हमारी हीरोइन कुछ चीजों के चलते एक हॉन्टेड हाउस में शिफ्ट हो गई है, और भूतों को नहीं पता उसका बाप कौन है, तो तुम सिचुएशन को समझ ही सकते हो। लेकिन तभी उसकी लाइफ में एंट्री होती है साओशी की, जिसकी लुक्स की वजह से सिराकिन का बोलना तो कम हो ही गया था, साथ ही इस हाउस में भी घूमने में अब उसे उतना डर नहीं लगता। अब ये साओशी कौन है, यहाँ क्यों आया है, उसकी हेल्प क्यों कर रहा है, ये सब तुम इस एनिमे में देखना। नंबर 4 यामाडाकुन एंड द 7 विचेस। हो सकता है स्टोरी के मामले में तुम्हें ये एनिमे इन सब में सबसे बेस्ट लगे, तो इसके ऊपर ऊपर के प्लॉट से इसे जज मत करना। ये स्टोरी है यामाडा की, जो अपने बैड गाय की लाइफ से बोर हो चुका था, लेकिन आज उसके साथ कुछ गजब ही हो गया। वो अपने स्कूल की सीढ़ियों से फिसल गया, और जब वो स्लो मोशन में नीचे लैंड कर रहा था तो उसने स्कूल की टॉप स्टूडेंट सिराइशी को भी अपने साथ ले लिया, और नीचे आते आते वो दोनों कुछ इस हालत में है। और तभी अमाना को अपने बारे में एक गजब बात पता चली है, वो अगर किसी को किस करेगा तो वो उसके साथ बॉडी स्वैप कर सकता है। और ये पता चलते ही इन दोनों ने डिसाइड किया है वो सिचुएशन के हिसाब से बॉडी स्वैप करके अब अपने काम करेंगे। और इसी सब के बीच में तुम्हें देखने को मिलेंगी छोटी छोटी मिस्ट्रीज, और यामाडा एंड सिराइशी की एक अच्छी पेशिंग के साथ आगे बढ़ती हार्ट वार्मिंग रिलेशनशिप। नंबर 3 आयरा किस। इस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी आयरा की, जिसकी लाइफ कभी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रही है, लेकिन फाइनली उसके साथ अब कुछ अच्छा हुआ है, उसका नया घर अर्थक्वेक की वजह से ढेर हो गया। हाँ भाई, ये अच्छा ही हुआ है, क्योंकि घर टूट जाने की वजह से अब उसे नाओकी के साथ रहना होगा, जो कि सिर्फ एक स्कूल का ही नहीं बल्कि पूरे कंट्री का मोस्ट इंटेलिजेंट एंड मोस्ट हैंडसम लड़का है, और आयरा का क्रश भी है, तो बताओ ही ना अच्छी चीज। वो बात अलग है, बेचारी कई बार उसकी तरफ से रिजेक्ट हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो रुकना नहीं चाहती, उसे यकीन है अब जब वो एक ही घर में रह रहे हैं तो एक ना एक दिन तो वो भी उसके लिए फील करने ही लगेगा, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं इंसान गलतियां भी तो करता ही है ना कभी तो करेगा ही। नंबर 2 मॉन्स्टर सिजुको। के लिए जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो है उसकी प्राइड एंड ग्रेड्स। वो ना किसी से ज्यादा बात करती और ना उसका कोई दोस्त है, लेकिन उसके लिए ये सब एकदम से ही बदलने लग गया जब उसकी लाइफ में हारू आ गया, जिसने उसे पहली बार देखते ही प्रपोज कर दिया, और अब वो हाथ धो के उसके पीछे पड़ गया है। उसने कह दिया है तुम हमको ना बोलती रहो, हम बेशर्मों की तरह हाँ बुलवाने का नया तरीका ढूंढ लाएंगे। और एक सीक्रेट बताऊं, उसे भी हारू पसंद है, लेकिन वो एक्सेप्ट करना नहीं चाहती क्योंकि उसे डर है कहीं इसके बाद के लिए ग्रेट से इम्पोर्टेंट हारू ना हो जाए। तो इस एनिमे के अंदर तुम्हें बेस्ट वाइफू देखने को मिल जाएगी, और जब तुम इस एनिमे को देख रहे होगे तो इसके हर एपिसोड के एंड में तुम्हारे चेहरे पर एक बड़ी सी खिलखिलाती स्माइल होगी। नंबर 1 कोड ब्रेकर। अगर तुम्हें ऐसे एनिमे देखना पसंद है जहां बैड गाइज लड़कियों के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो ये एनिमे तुम्हारे लिए है। साकुरा एक ऐसी लड़की है जिसे हमेशा हर किसी के लिए जस्टिस चाहिए रहता है, वो कहीं गलत होते नहीं देख सकती, और दूसरी तरफ है अपना बैड बॉय एंड MC रे ओगामी, जो कि यहां ट्रांसफर स्टूडेंट है। वो दिखने में बड़ा ही काइंड पर्सन नजर आता है, लेकिन कुछ तो है जो उसने इस स्वीट सी स्माइल के पीछे छुपा रखा है। वो क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है? क्या वो कोई सीरियल किलर है, या फिर वो कोई एजेंट है जो यहाँ करप्ट लोगों को ठिकाने लगाने आया है, या फिर इस केस में बस वो एक लाचार लड़का है जो गलत लड़की के चक्कर में पड़ गया है और उसे अपनी फीलिंग्स बता नहीं पा रहा, क्योंकि सही और गलत एक साथ कैसे हो सकते हैं। इसी के साथ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।